मैं कुतुबुद्दीन, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बसो कल्याण के एसी ऑफिस में बसो कल्याण डेवलपमेंट प्रोग्रेस मीटिंग की गई। मीटिंग होने के बाद बसो कल्याण के असिस्टेंट कमिश्नर ज्ञानेंद्र कुमार गंगावर ने बीके न्यूज से बात करते हुए बताया कि बसो कल्याण के डेवलपमेंट वर्क कहाँ कहाँ और किस तरह से चल रहे हैं। आज ये मंथली जैसे रिव्यू मीटिंग था, जिसमें जो नगर उत्थान स्कीम के अंडर रोड्स एंड ड्रेनेज है, एक वो है, दूसरा 24x7 जो अभी स्टार्ट किया था उसका कब एंड होगा, कब 24x7 स्टार्ट होगा वाटर सप्लाई टू इंटायर सिटी, एक उसका है। और एक तीसरा शिकायत है अभी, जैसे बाकी मिसलेनियस से कहते हैं कि प्लेग्राउंड्स नहीं है, जहाँ बच्चे आते हैं मोबाइल्स में ज़्यादा बिजी हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके लिए प्लेग्राउंड कहाँ डेवलप कर सकते हैं। और तीसरा है ये ट्रैफिक सिस्टम का थोड़ा सा है, लाइट वगैरह ट्रैफिक सिग्नल का कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, और फिर ट्रैफिक को मैनेज करना है। तो ये चार पांच इश्यूज़ पे अभी यार डिस्कशन हुआ था। जो फर्स्ट है 24x7, तो इसका लास्ट टाइम भी उन्होंने डेडलाइन मिस कर दिया, बट इस टाइम उन्होंने अभी कुछ लास्ट टाइम हर्डल्स आए थे उनको उसको सॉल्व किया एडमिनिस्ट्रेशन ने भी थोड़ा हेल्प करके। और ये जो 24x7 का जो नेक्स्ट डेडलाइन है, जिसको काफ़ी प्रॉमिसिंग है, उन्होंने बोला है कि 15 डेज में वो ख़त्म कर देंगे उसको। 24x7 में पैच वर्क बचा है अभी, सप्लाई सारा हो गया है कम्प्लीट, जो भी कनेक्शन था जोन 3 जोन 4 में जो बचा हुआ था वो ख़त्म हो गया है अभी, अभी बस पैच वर्क है इधर उधर जो भी, तो वो 15-20 डेज वो ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे। तो ये है दूसरा। अभी मैं ऑटो नगर की बात करूँ, ऑटो नगर में जो सीसी रोड था वो लगभग 18 दिसंबर को फिनिश हो रहा है एज पर उनके शब्दों के मुताबिक। और उसके बाद ड्रेनेज जो बचेगा, ड्रेनेज लगभग हो रहा है 20 जनवरी को फिनिश। तो इसमें अभी क्वालिटी भी मैं अभी साथ में एक दो बार इंस्पेक्शन भी किया है क्वालिटी का चेक करने के लिए। और अब जो बाकी जो बचा है जनरल नगर थाना का जो रोड है, तो जो डायरेक्टली डीसी ऑफिस से होता है, तो नगर थाना का रोड है जो, उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस इतना अभी लास्ट मंथ में इतना ठीक नहीं था। आर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो उनको भी एक आज एक लेटर लिखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ भेजें वो, क्योंकि जो नंबर ऑफ पर्संस हैं उनके बहुत कम हैं यहाँ बसवा कल्याण में, जो क्योंकि प्रोजेक्ट उनका पूरा है जो 11 करोड़ का है, लेकिन नंबर जो एजेंसी में नंबर हैं इन्वॉल्व हैं लोगों के वो बहुत कम हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स और मशीनरी को बोलने को उनको बोला गया है। और 3-4 जो रोड हैं वो ऑलरेडी लगभग कंप्लीशन में हैं, विद इन 15 डेज और 20 वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग वर्क हैं उसमें भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी लेटर भी लिखा है और कोऑर्डिनेशन भी अभी कर रहे हैं, तो वो अभी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रोड का है। और तीसरा था प्लेग्राउंड। जैसे कल भी मैं एक अभी विद इन 15 डेज एक मदीना सीता मदीना जो कॉलोनी के पास में जो प्लेग्राउंड है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, और 15 डेज में हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें जैसे वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, ये बच्चे आके खेलें। और फिर दूसरा जो अभी अम्बेडकर टू फोर्ट एरिया है, यहाँ कंजेस्टेड कॉलोनी है, यहाँ कोई भी प्लेग्राउंड अभी इतना अप टू मार्क नहीं है, बच्चों को जाना पड़ता है तालुक स्टेडियम जो काफ़ी दूर है। तो यहाँ भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं कोई साइट हो और कोई अवेलेबल गवर्नमेंट स्पेस हो जहाँ पार्क या प्लेग्राउंड बना सकें। और ट्रैफिक लाइट का भी अभी हमने बोला गया है, जहाँ जहाँ पूरे सर्वे होगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत है कमिश्नर को बोला है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ लिस्ट दो, हम प्रपोजल आगे मूव करते हैं और ट्रैफिक लाइट का भी आ जाए। थैंक यू। देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल बीके न्यूज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।